मिस्टर झा एंड मिसेस झा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक नई रेसिपी, मंचूरियन। यह मंचूरियन हम घर में बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे और इसमें हम सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह मंचूरियन हम कैसे तैयार करते हैं। यह मंचूरियन हम बाजार जैसे तैयार कर रहे हैं, तो बाजार जैसे बनाने के लिए हमें वैसे वैसे सब्जी का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें हमने सबसे पहले पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी आप देख सकते हैं, इसे हमें एक साथ नहीं चलाना है मिक्सर में, रुक रुक के चलाना है। अगर हम एक साथ चलाएंगे तो यह पाउडर जैसे तैयार हो जाएगा। और उसके साथ जो हमारा फूल गोभी रहता है वो अभी हमने डाल दिया है, लेकिन जितना हम पत्ता गोभी लेंगे उससे कम थोड़ा सा हम फूल गोभी लेंगे और दोनों को रुक रुक के हम चलाएंगे मिक्सर में बिना पानी का, और उसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम सॉस डालेंगे, और सॉस और चिली फ्लेक्स और जो हमारा मिर्ची पाउडर आता है यह तीनों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसीलिए तो हमारा मंचूरियन जो है वह बाजार जैसे तैयार होगा। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरे प्याज जो आता है वह बारीक बारीक काट लेंगे और वह भी इसमें हम डालेंगे। वह डालने से हमारा मंचूरियन का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाएगा। और जो हमने अभी सॉस तैयार किया था वह भी इसमें हम डालेंगे। इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला तो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें हमने एक चम्मच तक सेजवान चटनी भी डाला है, और जो हमारा अरारोट रहता है वह डाल के इसे हम तैयार करेंगे। तैयार मीन्स थोड़ा थोड़ा हम डाल रहे हैं, एक चम्मच दो चम्मच करके इसका डो जैसे हम तैयार कर लेंगे। जब तक डो जैसे नहीं तैयार होगा इसमें और हमने कुछ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके वही अरारोट का पाउडर आप देख रहे हैं हम यही डाल रहे हैं। और इसमें हम अरारोट जब तक डालेंगे जब तक इसमें बाइंडिंग ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसमें बाइंडिंग आ गया है, मतलब इसका हम रोल सा तैयार कर सकते हैं, जैसे कि रोल अगर हम करें तो वो फैले नहीं। और एक तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हैं इसमें हम रोल रोल करके गोल गोल मंचूरियन बना रहे हैं और कढ़ाई में डाल रहे हैं। एक बार में जितना आ जाए, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से तेल में सेक लेंगे, और उसके बाद एक जैसे कि इसमें ऑयल रहता है तो बड़ा सा जो छन्नी रहता है उसमें हम निकाल के रख लेंगे ताकि उसका ऑयल जो रहता है वह निकल जाएगा। और उसके बाद अब दूसरी कढ़ाई लेंगे। दूसरी कढ़ाई में हमने तड़का नहीं तैयार किया है, इसमें हमने लहसुन और जैसे कि गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च तो हमने नहीं डाला है, वही हरा वाला प्याज का इस्तेमाल हमने किया है। आधा चटनी हमने मंचूरियन में डाला था और आधा हम ग्रेवी में डाल रहे हैं, और इसमें हमने शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यह बिना शिमला मिर्च के भी बहुत ही अच्छा तैयार होता है। और जो हमारा सेजवान चटनी आता है वह भी इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच तक डाला है, और यही सब डाल के हम इसके ग्रेवी को बहुत ही अच्छा सा तैयार करेंगे। और इसे हम 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे, और चलाने के बाद जो हमने पत्ता गोभी को पीस के रखा था वह पत्ता गोभी भी इसमें हम डाल देंगे। यह डालने से ही हमारे ग्रेवी का टचिंग जो रहता है वो बहुत ही अच्छा आएगा, और देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ग्रेवी कितना अच्छा तैयार होगा। और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तक सोया सॉस डाल देंगे, और सॉस में आप जो चाहे वह डाल सकते हैं। हमने इसमें ग्रीन सॉस भी डाला है और रेड सॉस भी डाला है। यह सब डाल के इसे हम 1 मिनट के लिए, और मतलब आधा सेकेंड के लिए, और इसे हम भून लेंगे। और भूनने के बाद क्या करेंगे, मंचूरियन का ग्रेवी जो रहता है वह पतला सा नहीं रहता है, वह गाढ़ा सा ही रहता है। तो हम यही सॉस सब डालेंगे जब जाके हमारा ग्रेवी जो है वह गाढ़ा सा रहेगा। अब आपने देखा है कि हमने इसमें भी आधा कप तक पानी का इस्तेमाल किया है, और एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने फिर से एक कटोरी लिया है और उसमें हमने 1 चम्मच तक अरारोट डाला है। हम कम बना रहे हैं तो इसके लिए हमने कम ही अरारोट का इस्तेमाल किया, और इसे हम पानी में घोल लेंगे। घोलने के बाद क्या करेंगे, जब इसमें देखिए अब उबाल आ गया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा अरारोट का जो हमने जो घोल तैयार किया था वह इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। उससे क्या होगा, हमारा ग्रेवी जो है वह खूब ही गाढ़ा सा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यह कितना गाढ़ा हो गया है। वैसे तो यह मंचूरियन ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है तेल में फ्राई करने के बाद, लेकिन ग्रेवी में डालने के बाद यह कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे, और डाल के
दो से तीन मिनट के लिए ढक के रख देंगे। उससे क्या होता है, हमारा मंचूरियन जो रहता है उसके अंदर अच्छे से ग्रेवी चला जाएगा, फिर खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हमारा मंचूरियन जो है वह तैयार हो चुका है और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब हमारा बाजार जैसे मंचूरियन सर्व करने के लिए तैयार है। यह देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि यह बाजार जैसे कैसे हमने तैयार किया है। आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह मंचूरियन वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।